भाई आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम वापस जा रहे हैं अपने घर, और अभी है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से सिक्योरिटी इमिग्रेशन चेक इन, सिक्योरिटी इमिग्रेशन और हर चीज़ हो गया। और अब निकलेंगे, अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहे हैं करीब 12, और 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है जो हमें फ्रैंकफर्ट लेके जाएगी। और फ्रैंकफर्ट से हमें आगे जाके अपना हनोवर के लिए फ़्लाइट लेनी है। तो आगे का सफ़र जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। रही बात इमिग्रेशन में, इतना कुछ नहीं पूछते आजकल, अगर आपके पेपर्स पूरे हैं और इसके अलावा कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है नहीं जर्मनी आपको ट्रैवल करने के लिए। और 1 महीने बाद मैं अपनी वाइफ से भी मिलूँगा, तो देखते हैं आगे सफ़र कैसे जाता है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है, लास्ट टाइम मैं एयर इंडिया का अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार एयर इंडिया का रिव्यू अच्छे से करेंगे। कब क्या क्या मिल रहा है और उसका कैसे स्वाद है और सीटिंग वगैरह और इन सब का कैसे जो भी रिव्यू होगा आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी अपना गेट नंबर देखते हैं, बोर्डिंग पास में गेट नंबर 26 है, लेकिन अपडेट रहना चाहिए। आगे मिलते हैं। तो अभी भाई भूख लग रही है, सुबह से कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, आपको पता ही है जब जाने का टाइम होता है तो एक्साइटमेंट में कुछ खाया नहीं जाता। तो अभी यहाँ का फूड कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता है। साफ सफाई 1 नंबर, आगे मिलते हैं। भाई इंडिया में जब मैं आया था डोमिनोज से कुछ नहीं खाया, और अब जाते हुए यहाँ फूड कोर्ट में डोमिनोज में पिज्ज़ा खा रहे हैं। कौन सा, चीज़ एंड कॉर्न चीज़ बर्स्ट, ठीक है, मीडियम साइज़ है। और आपको पता ही है प्राइस नहीं कितने महंगे हैं, 690 रुपये का बिल है। पर वही है, अब मेरे पास इंडियन करेंसी पड़ी है तो वो करेंसी को लेके अब मैं जाऊँगा क्या करूँगा वहाँ पर, इससे बेटर है कुछ यहीं खर्च कर लूँ और उसको खाने पीने के बाद अपन आगे चलेंगे। 12:15 हो रहा है, 2 बजे की वो है और शायद 1-1.5 बजे अपना चेक इन स्टार्ट होगा। भीड़ बहुत है भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना सिक्योरिटी में, इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेके आए, मतलब 4 घंटा तो लेके ही आए, क्योंकि मैं यहाँ पर 11:30 बजे पहुँचा, 10:30, और 10:30 के बाद मेरे को अंदर आते आते 12:15 हो गया। सिक्योरिटी इमिग्रेशन चेक इन सब चीज़ कराते हुए मेरे को बच गया 12:15। तो दिल्ली और बड़ा वो पता ही वैसे बहुत बिजी रहता है, तो इसलिए बेटर है कि आप टाइमली आएँ ताकि आप आराम से पहुँच पाए, ठीक है। मिलते हैं आगे। भाई पिज़्ज़ा खाते खाते बज गए हैं 1:45, और 1 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। शायद वो पहले चेकिंग भी करते हैं बोर्डिंग कार्ड की सब चीज़ की, तो वो फटाफट करवाते हैं और आगे का बताते हैं आपको आगे। बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, नाम सबसे पीछे अपना नंबर था तो इन्होंने सबसे पीछे नंबर से पहले स्टार्ट करिए और अंदर चल के देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी ये बाहर बैठ गए अंदर, और ये अपनी सीट है, इधर एक सीट खाली है, लास्ट में सिर्फ 2 है, जैसे आप सामने हो ये 3 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, एक इधर बैठेगा बंदा, एक इधर।
मैंने खा ली है। फिलहाल एसी चल रहा है ठंडा के थोड़ी, और जैसे भी आगे का सीन रहे आपको भी करना है, ठीक है, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे आगे। चेक इन बैग में थोड़ा वेट ज़्यादा था, कैबिन बैग में, तो उन्होंने चेक इन करवा लिया था, वो उठा के फिर दूसरी फ्लाइट लुफ्थांसा में देना है। आगे मिलते हैं। भाई भाई पूरे 30 मिनट बाद बैग आया, ये झड़ा सा इतना स्लो इतना धीरे एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन अभी बाहर आ गए हैं। अब दोबारा से मेरे को सिक्योरिटी करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी एयर इंडिया से अभी लुफ्थांसा में फ्लाइट है, तो सिक्योरिटी करा के फिर मिलते हैं आगे, ठीक है। तो भाई बैग कलेक्शन जितना स्लो था सिक्योरिटी उतनी फास्ट थी, और इमिग्रेशन भी सिक्योरिटी चेक मतलब। और ये देखो आप मेरा फ्लेमिंगो, और अब हम जा रहे हैं अपनी हनोवर की फ्लाइट, जिसमें अभी हैं 2 घंटे, सुसवारा बहुत दूर की, सुसु घूमना पड़ेगा, और चलते हैं और आगे का सीन आपको आगे बताते हैं, ठीक है। सब कुछ हो गया भाई, अब अपने गेट पे बैठे हैं, और 2 घंटा अभी टाइम है, और 2 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद 1 घंटा और लगेगा फिर अपने घर, ठीक है। अभी तो ये वाला गेट बिल्कुल खाली है, लेकिन धीरे धीरे लोग आने शुरू होंगे, अभी 7:30 में और 9:20 के आसपास की फ्लाइट है, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं सुनूँगा। भाई फ्लाइट हो गई है बहुत ज़्यादा ही लेट, 9:30 का टाइम था, 9:20 का, और 9:35 हो रहे थे, 9:45 पे जाएगी, और चेक इन पता नहीं कब है, बोर्डिंग सॉरी, कह रहे थे जो जो क्रू था दूसरा फ्लाइट उठे जाने वाला था इस फ्लाइट के लिए, वो बुक नहीं आया है। पर अच्छी बात यह है कि नीचे ना अभी देखो ये हीटर है लगे हुए हैं, और मैं हीटर पर बैठा हुआ हूँ, तो गर्म मसाज हो रही है पिछवाड़े की, और ज़रूरी भी ठंड हो रही है भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब अच्छा हुआ मैंने अपनी जैकेट निकाल रखी है। लेकिन अभी आप देखो सामने कितनी भीड़ लगी हुई है, और
और इधर भी मैंने अपना बैग दे दिया ताकि बैग रखने की पंगा ना पड़े क्योंकि लग रहा है भरी हुई है और उस वजह से आपको शायद जगह नहीं मिली। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं कब तक ये चलेगी कब तक नहीं चलेगी। बाकी मैं पीछे बैठा हूँ, शायद आपको पीछे का दिखे एयरपोर्ट की प्लेन वगैरह है पीछे, यह काम चल रहा है। फ्रैंकफर्ट वन ऑफ बिगेस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का और बिजीएस्ट ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी कनेक्टिविटी यहीं से जाती है, USA और कनाडा और सिंगापुर, तो मैक्सिमम कनेक्टिविटी आपको फ्रैंकफर्ट से ही मिलती है या म्यूनिक से। ठीक है, तो जब स्टार्ट होगी बोर्डिंग तब बताते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें, आगे मिलते हैं। Look at that. Here, no? Okay. Yes. I was really cold. I need to wear something. Yeah. The shop will be really heavy. Yeah, and finally, guys, we reached. I reached after snoring in the flight. Are you looking at that? Yeah. She said I gained a lot of weight. A lot? Yeah. Do you want the gloves? No, gloves don't. Make it like this. I would. You feel cold? Not now. Maybe later. Thank you. And please close it because it will really, really badly. You will feel the shock. It's not possible that this is not suiting you anymore. अगर आपने ये नहीं भरा तो आपको 80 यूरो का बिल आएगा। She got a 80 यूरो पाउंड 80 यूरो फाइन। ये हनोवर के बाहर का है भाई, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। आपको दिखाते हैं गाड़ी के ऊपर देखो बर्फ़ जमी है हमारे एरिया में, भैया ठंड हो रही है, जाना पड़ेगा घर। तो दोस्तों आ गए हैं जर्मनी के ठंडे इलाके में। It's cold here and I don't like to be in the cold area but I have to be. बाहर बर्फ पड़ी हुई है रात की और जिस जैकेट हो गए तो उसी जैकेट में वापस आए हैं। और थोड़ी दिखाता हूँ अगर बर्फ़ दिख जाए आपको तो, ये देखो बर्फ़ पड़ी हुई है बाहर और ये देखो बिल्कुल सफ़ेद चादर। And you will see also because it's winter, because it's